नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज हम बनाएंगे अमरूद की चटनी। अमरूद की चटनी दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही हेल्दी होती है। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अमरूद की चटनी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो इस प्रकार है। ये मैंने दो अमरूद लिया है, इधर हरी धनिया की पत्ती है, ये एक हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, 4 से 5 मैंने ये काली मिर्च लिया है, 2 चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है, ये 1 से 2 चम्मच मैंने काला नमक लिया है, इधर ये सादा नमक है, और ये भुना हुआ जीरा है। मैंने बहुत ज़्यादा पके हुए अमरूद नहीं लिए हैं, हल्के हरे अमरूद हैं ये, और इस तरीके के अमरूद की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं हम अमरूद की चटनी। सबसे पहले हम इस अमरूद को काट लेंगे। इसमें ये जो काला पार्ट है इसको हम बाहर कर देंगे। अब इस अमरूद के बीज को हम बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। अमरूद के बीजों को निकालने के बाद हम इसके और छोटे टुकड़े कर लेंगे। हमने अमरूद के बारीक टुकड़े कर लिए हैं और अब इसको हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। इसमें हम ये हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें हम ये अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। इसके बाद ये हरी मिर्च भी डालेंगे और ये काली मिर्च के दाने भी डाल देंगे। अब अंदाज से इस पे हम थोड़ा सादा नमक डालेंगे। थोड़ा सा ये काला नमक डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम ये भुना हुआ जीरा डाल देंगे। और ये नींबू का रस डाल देंगे। इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी पीस के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने चटनी को सर्विंग बोल में निकाल लिया है, लेकिन अभी हम इसमें एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे जिससे ये चटनी और भी बेहतरीन हो जाएगी। हमने तड़का पैन को गैस पर चढ़ा दिया है और अब हम इसमें करीब 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है हमारा, अब इसमें हम ये राई डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें हिंग पाउडर डालेंगे।
गैस को ऑफ कर देंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम इस चटनी में लगा देते हैं। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा नमक डाल देंगे। ये दोस्तों हमारी अमरूद की चटपटी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। ये चटनी बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। टेस्ट के साथ साथ ये चटनी बहुत पौष्टिक होती है। अमरूद बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और सर्दियों के मौसम में हमें जितना भी अमरूद खाने को मिले उतना ही अच्छा है। तो कोशिश यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद खाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। इस चटनी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दाल चावल पूड़ी पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप इसका आनंद ले सकते हैं। और अगर आप इसको पीस कर फ्रिज में रखते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन आप इसको आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी न्यू।